नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आज हम टमकोर में पहुंचे हैं, टमकोर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां इस विद्यालय ने जिले भर में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और आधुनिकता के इस दौर में जहां लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ भाग रहे हैं, अपने बच्चों का एडमिशन वहां करवा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं, इसी दौर में गांव के एक छोटे से गांव के स्कूल ने और यहां के स्टाफ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहां की बच्ची उन्नति सैनी ने जिले भर में टॉप किया है। राजकीय विद्यालयों में 95.80% के साथ उसने जिले भर को टॉप किया है और स्कूल के साथ साथ गाँव का, अपने माता पिता का और क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। इसी बीच हमारे साथ इस विद्यालय के प्रिंसिपल बलबीर जी ढाका मौजूद हैं, जिनको इस उपलब्धि का सेहरा जिनके सर पे जाता है। तो आइए इनसे भी इस खुशी के बारे में जानते हैं कि सभी को, हमारे इस खुशी में शामिल होने वालों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे कक्षा 12th की साइंस फैकल्टी के द्वारा जो मेहनत की गई, उसमें हमारे 90+ के 5 बच्चे आना और वो भी ग्रामीण क्षेत्र में साइंस जैसे विषय में आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही, जिसके लिए मैं मेरे विद्यालय के स्टाफ साथियों को और सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं एवं बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनके अच्छे पोस्टों पर जाने की उम्मीद करता हूँ। विद्यालय का जो रिज़ल्ट है वो भी हम आपसे एक बार चर्चा चाहेंगे कि एक नज़र में आप हमें बताएं विद्यालय का रिज़ल्ट। साइंस फैकल्टी में हमारे टोटल 37 स्टूडेंट थे, जिसमें से 90+ 5 बच्चे हैं, 85 से 90 के बीच में 7, 80 से 85 के बीच में 6 और 75 से 80 के बीच में 7 और 70 और 75 के बीच 8 और 65 से 70 के बीच 3 और 60 से 65 के बीच 1। कुल मिलाकर के 37 के 37 बच्चे जो हैं वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए, जिसमें से अगर अपन बात करें तो 18 बच्चे जो हैं वो 80+ हैं। और कॉमर्स का रिज़ल्ट भी हमारा उत्तम रहा, जिसमें 9 बच्चे थे, 9 के 9 बच्चे जो हैं वो पास है, 100% रिज़ल्ट कॉमर्स संकाय का भी रहा। इस कार्यक्रम के बीच अलसी सर CBO गुरदयाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो जो क्षेत्र की जो बड़ी उपलब्धि है, जो राजकीय जो विद्यालय है टमकोर का, उसने जिले भर में नाम रोशन किया है, तो इसके बारे में इनसे जानते हैं उनकी राय। देखिए, ये झुंझुनू ज़िले के लिए बहुत बड़ी बात है और विशेष तौर से अलसी सर ब्लॉक के लिए तो बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ शायद ये कई वर्षों तक जो है ये कामयाब रहेगी, क्योंकि दूर दराज के बिल्कुल इंटीरियर जो है झुंझुनू का ये गांव है टमकोर, और इस टमकोर जैसे क्षेत्र में उन्नति सैनी, जिसके माँ बाप जो है वो किसान है और माँ गृहिणी है, इस प्रकार के माहौल में रह करके इसने 96 के आसपास जो है साइंस वर्ग में अंक हासिल किए हैं, तो ये कोई अपने आप में कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और विशेष तौर से छात्रा होने के नाते इसने एक बार पुनः सिद्ध कर दिया कि लड़कियां जो हैं वो वास्तव में इस देश का नाम जो है वो रोशन कर रही हैं। और कई वर्षों तक जो है आज़ादी के पहले इनको इतने जो अधिकार वो नहीं मिले थे, और मिलने के बाद में प्रत्येक क्षेत्र में आगे जा रही हैं, तो ये अलसी ब्लॉक के लिए बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि यहाँ का स्टाफ जो है और विशेष तौर से प्रधानाचार्य महोदय, इन सब ने मिलजुल करके एक टीम भावना के रूप में श्री बलबीर सिंह जी ने लीडरशिप प्रदान की और यहाँ का पूरा स्टाफ जो है उसने बिल्कुल टीम भावना के साथ में एकजुट होकर के काम किया, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो और चाहे बायो हो, चाहे वो हिंदी ऑप्शनल हिंदी कंपलसरी हो, चाहे इंग्लिश कंपलसरी हो, सभी शिक्षकों ने अपना मैक्सिमम
अपने सामर्थ्य के अनुसार जो योगदान दे सकते थे वो दिया, और तब जाकर कहीं संभव हुआ, जो अपने आप में बेमिसाल चीज़ है, जो कई दिनों तक शायद कायम रहेगी। हमारे बीच छात्रा उन्नति सैनी मौजूद है, जिसने ज़िले को टॉप किया है। जो लोगों की जो मानसिकता होती है सरकारी स्कूलों को लेकर, उनका जो रवैया होता है सरकारी स्कूलों को लेकर, उसने उस रवैये को उन्नति ने लोगों के सामने नकारा है। उन्नति ने अपनी मेहनत के बल पे, शिक्षकों के मार्गदर्शन के बल पे ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त कर, सरकारी स्कूलों में प्रथम स्थान प्राप्त कर पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है, इवन टमकोर का नाम रोशन किया है और सरकारी स्कूलों का भी नाम रोशन किया है। छात्रा उन्नति से अपन इस विषय में चर्चा करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रही है। सबसे पहले तो सभी को नमस्ते, और बहुत अच्छा लग रहा है कि 12वीं कक्षा के अंदर मैंने इतने अच्छे प्रतिशत से 12वीं कक्षा को उत्तीर्ण किया, और ये फीलिंग बहुत ही अच्छी लग रही है मुझको, बहुत अच्छा लगा। इसका श्रेय किसको देना चाहूँगी? इसका श्रेय मैं हमारे प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान बलवीर सिंह जी ढाका, और जो हमारा स्टाफ है, खास करके विज्ञान वर्ग संकाय का जो पूरा स्टाफ है, उसको मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी, और मेरे मम्मी पापा, उनको मैं अपना श्रेय देना चाहूँगी। इस सफ़र में कोई डिफ़िकल्टी फेस हुई, कोई मतलब मुसीबतें सामने आई, कैसा रहा ये सफ़र यहाँ तक का पहुँचने का? देखिए, वो सबका नज़रिया होता है, हमको देखने का नज़रिया होता है कि किसी को डिफ़िकल्टीज़ तो सबके सामने आती है, लेकिन किसी को वो डिफ़िकल्टीज़ लगती हैं और किसी को नहीं लगती। मेरे सामने भी आई है, लेकिन मैंने वो खेलते कूदते सभी के सहयोग के साथ, और खेलते कूदते उन डिफ़िकल्टीज़ को डिफ़िकल्टीज़ नहीं मानते हुए एक चुनौती के रूप में, एक खेल के रूप में लिया, और इसी वजह से शायद मुझे लगता है कि मुझे इतनी अच्छी सफलता मिली। आगे का सपना क्या है, आगे क्या बनना चाहोगी? मैं UPSC एग्ज़ाम क्लियर करके IAS बनकर और भारत की सेवा, प्रशासनिक सेवा में जाकर भारत की सेवा करनी चाहूँगी। अभी उन्नति को ताराचंद जी जैन हमारे बीच में मौजूद है, उन्नति को इन्होंने अपने घर पर सम्मानित किया है, सभी छात्रों को नाश्ता पानी भी करवाया है, विजय जुलूस को छात्र जो मौजूद थे, अध्यापक जो मौजूद थे, तो ताराचंद जी से भी बेटी की इस फीलिंग को जानते हैं कि आज बेटी ने पूरे गांव का नाम रोशन किया है, तो आपकी फीलिंग क्या है इसको लेकर? ऐसा है, मैं आज से 60 वर्ष पहले से इस स्कूल का छात्र रहा हूँ, तो आज समझ सकते हैं कि मेरे को कितनी अच्छी फीलिंग रही होगी। हमारे घर के प्राय सदस्य इस स्कूल में पढ़े हुए हैं, इसलिए हमारे एक संपर्क ही दूसरा बन गया है, और मैं चाहूँगा कि हमारी सरकारी स्कूल या जो भी यहाँ स्कूल है, इसके बच्चे ऐसे निकलें कि वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे इंडिया में, और वो निकाले आते हैं कि बच्चे और आगे आए, और मैं इसको उन्नति को और चाहता हूँ कि वो बहुत उन्नति करें और भी बच्चों को प्रोत्साहित करें।